explain why this number and this number are composite numbers. यदि मैं किसी भी नंबर को दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख दूं तो वो आपके पास एक कंपोजिट नंबर होगा. यहां से आपके पास फर्स्ट केस में है. यहां से देखिए इस नंबर में से और इस नंबर में से 13 आपके पास कॉमन आ सकता है. तो 13 कॉमन आने के बाद ये नंबर लिखा जा सकता है ऐसे. तो ये भी एक नंबर हुआ और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये भी एक नंबर बनेगा. तो हमने इस नंबर को दो नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख दिया तो ये नंबर बन गया कंपोजिट नंबर. सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में है आपके पास 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5. यहां से देखिए इस नंबर में से और इस नंबर में से 5 आपके पास कॉमन फैक्टर आ जाएगा. 5 को कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा नंबर दिस. यहां पे भी आप देख सकते हो क्लियरली कि 5 × इसको मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर बनेगा. तो इसे भी हमने दो नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख के दिखा दिया. यस इट इज कंपोजिट नंबर. तो यह भी आपके पास एक कंपोजिट नंबर बन. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.